हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। चलिए आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप में, तो उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। ये अभी पैकिंग चल रहा है, पैकिंग करके हमने ये गाड़ी में सब लोड कर रहे हैं, लगेज सेट हो रहा है, इसके बाद हम निकल जाएंगे। चलिए, हम सब रेडी हो चुके हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। तो क्या हमें जाना है, बहुत लंबा रास्ता जो कि बहुत दूर है, तो बीच में हम भिलाई में रात में स्टे करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो ये डे वन का है। चलिए, घर को हम बाय करके चलते हैं। घर तुम सुरक्षित रहना, और हमारे छोटे गणेश जी हमारे साथ जा रहे हैं। चलिए, रास्ते पे हम निकल चुके हैं, ये हम सब सेट हो चुके हैं। ये है डोबो ब्रिज, यहाँ हम क्रॉस कर रहे थे। ये वाला व्यू मुझे बहुत पसंद आता है जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, अच्छा लगता है। सारे फ्लैट्स नए तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट्स हैं ये। चलिए, और ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर का तो कहना ही क्या, देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही माउंटेन व्यू आपको हर जगह में अवेलेबल मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल जो माउंटेन्स है, अलग 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 आपको ब्यूटी के साथ मिलेंगे। कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे स्टोन वाला, कहीं पे पूरा रॉकी माउंटेन, और डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स हैं। फुल ऑफ माउंटेन्स है जमशेदपुर, और इतनी ग्रीनरी है यहाँ जो देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सारे रास्ते ये माउंटेन को काट काट के बनाए गए हैं। ये रास्ते में हम निकल चुके हैं। चलिए, माउंटेन व्यू के साथ। ये है जंगल, बीच में थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन वो भी बहुत सुंदर है देखने में। देखते हैं, लश ग्रीनरी व्यू है। गर्मी का सीज़न है, इतना समर में भी इतना ग्रीन है, इतना रिफ्रेशिंग लगता है ना ये। इसलिए रोड ट्रिप्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। चलिए, नाश्ता करने के टाइम आ गया था, इसलिए हमने नाश्ते के लिए यहाँ पे होटल है रांची रोड में, तो वहाँ पे हम गए थे। तो यहाँ पे हमने डोसा, सैंडविच, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाई थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। देखिए कितना अच्छा बना है। पहले मैं जब आई थी बहुत पहले, तो ये बहुत छोटा सा एक होटल था, अभी बहुत ही सुंदर और बहुत स्टाइल से इसको डेकोरेट किया है। रॉकी पत्थर वाला मोटिव है, तो बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और ये है सीनिक ब्यूटी, देखिए ये जहाँ सारे पेड़ जैसा लग रहा था हमारे वेलकम के लिए ही खड़े हों, और इतना अच्छा लग रहा था। इसका पूरा घुमावदार है, माउंटेन पे जैसा होता है जिग-जैग गोल टर्न, एकदम ब्लाइंड टर्न है, कर्व है। देखिए कितना स्मूथली हमने टर्न किया। तो इस जगह में थोड़ा सा सावधानी से हमें गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। देखिए कितना अच्छा गेट जैसा बन जाता है, दोनों तरफ से पेड़ इतना अच्छे से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हों लग रहा है। चलिए, कितना ब्यूटीफुल है ये, चलते हैं, ये इसको थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। ये नेचुरल ब्यूटी है जो कोई भी इंसान शायद नहीं बना सकता, ये गॉड गिफ्टेड है। हम पेड़ लगा सकते हैं, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए तो पेड़ नहीं होगा तो हमें ठंडक नहीं मिलेगी, और ये दिन ऐसा आएगा कि हम सब जल के ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, जोक सपाट, पर एक्चुअली ये ट्रुथ है। जिस टाइप से हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से हमें बहुत ही
बेसिकली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ठीक हो सकता है। इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किए बिना रह नहीं पा रही थी, इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सारे पेड़, कितने कितने सारे पेड़ हैं जो कंटिन्यूसली लगाए गए हैं और बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इस जगह में थोड़ा टेम्परेचर भी बहुत कम था, इससे एक्चुअली ठंडक मिलती है, हम देख सकते हैं। और ये वाला देखिए, ये जो माउंटेन है, ये इसको उन्हें लग रहा है जैसे कैसे ये इतना पत्थर एक साथ कलेक्ट होकर बन गया है। कितना अद्भुत लग रहा था ये देखने में, सारे पत्थर को जमा करके एक ही जगह में शायद रख दिया है वैसा। पर ये शायद है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ जाते हैं तब ऐसा माउंटेन्स बन सकता है। और ऐसा चलते चलते इवनिंग हो चुका था, देखिए सनसेट का टाइम है और हम धीरे धीरे लाइव पहुंच चुके थे, रात हो गया था, फिर मैंने और रिकॉर्डिंग किया। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।